नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके की न्यूज। शेखपुरा नगर थाना पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के दो सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। उसके पास से पैसे से गड्डी नुमा कागज का गड्डी भी बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने एक अल्टो गाड़ी को भी जब्त किया। गिरफ्तार दो शातिर की पहचान मोतिहारी जिले के धर्मेंद्र और रमेश पासवान के रूप में की गई। वहीं मीडिया के सामने गिरफ्तार शातिर ने बताया कि गाड़ी को बुक करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लखीसराय घूमने के बहाने लाया गया था और लालच देकर यहां पर उसे रखा गया था। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के पास संदिग्ध स्थिति में पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया और जांच के दौरान कागज की गड्डी नुमा कागज और गड्डी भी बरामद किए। वहीं अन्य संदिग्ध की पहचान को लेकर अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। देखना होगा किस तरह से अब इस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसके के न्यूज। कितना दिन से तुम लोग घूम रहे हैं? साल हम सब काम नहीं कर रहे, सब क्लासी में हम काम कर रहे थे। पास से है ना, ये नकली नोट का गड्डी, मतलब नकली नहीं गया, कागज का बनाया हुआ नोट नंबर गड्डी था। आई लोग का पैसा है कि ये के भले अपने बुजुर्ग लोग को ठगते हैं। ये कितना लोग पकड़ा गया सर? दो हैं लड़के, दोनों जाके मोतिहारी के हैं, पिपर थाना के लोग हैं।